हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहेगा, ये किस एनर्जी में रहेंगे। फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसम। आज के दिन में ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को हील करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे। बहुत ज्यादा बिजी रह सकते हैं लेकिन खुश होकर काम करेंगे। बहुत ज्यादा होपफुल रहें अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। जैसे ये कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या तो ये आज के दिन में किसी चीज का फाउंडेशन रख सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। इवन तो उस पर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाने की एनर्जी है, चाहे ये रिश्ते को लेकर है, चाहे करियर को लेकर है, बट किसी चीज पर इनका मन लगा है और उसको ये करके ही दम लेंगे। ऐसी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ कर ही डालेंगे इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज कमिंग टूगेदर। वाओ, मतलब इस रिश्ते के लिए कुछ पॉजिटिव करने की एनर्जी है। मे बी आपको आज के दिन में इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए। नंबर 20 और 2 की एनर्जी है, मतलब 22 यहाँ पे है, जो हार्मनी को भी शो कर रहा है, दो लोगों के साथ आने को शो कर रहा है। आपको इनकी तरफ से कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है, कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि ये आपको आगे बढ़कर खुद से इनिशिएटिव लेकर आपको विश कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है, किसी और का बर्थडे है, तो इनका कॉल मैसेज आपको आ जाए, कुछ पूछ लें ये आपसे। बट आपका इनसे रीयूनियन भी हो सकता है आज के दिन में। जो लोग ऑलरेडी रीयूनाइटेड हैं, तो ये आगे बढ़कर इस रिश्ते में आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। आपको गिफ्ट रिसीव करने की भी एनर्जी, कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, सामने से आकर अप्रोच करना, प्रपोज करना, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आ रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। आज का दिन अच्छा दिख रहा है इनका। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस। आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि खुद के ऊपर फोकस करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें, एम्ब्रेस करेंगे, बिल्कुल जो है खुद से एक अपनी सोल लेवल पर अलाइन करेंगे ये, ठीक है। जब ये एनर्जी होती है ना, तो ये इंसान को फ्री कर देती है। तो अगर ये किसी भी तरीके के बंधन में चल रहे हैं, तो ये उस बंधन को फील नहीं करेंगे। एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, एक सोल लेवल पे, ठीक है, बिल्कुल दिल खोल देना, हर तरीके के ब्लॉकेज से मुक्त होके हायर वाइब्रेशन में आना, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग थॉट प्रोसेस के जरिए पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करना, ये एनर्जी इनकी स्ट्रांगली दिखती है। कैसे सिचुएशन में ये एनर्जी है एंजल्स? ओके, रीच आउट। ओ, ये आज के दिन में आपको रीच आउट कर सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करें, इनकी एनर्जी बता रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं, ये तलाश सकते हैं, तभी आपकी तरफ बार बार कपल एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते के लिए, कोई एफर्ट लगाएं, ठीक है, और अपने माइंडसेट को चेंज करें। अगर इस रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं है, तो जैसे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव आउटकम के साथ इस रिश्ते तक पहुंचने की एनर्जी है। जिसको भी कॉल मैसेजेस आए, जरूर से बताइएगा। जॉय एंड स्टेबिलिटी। वाओ, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है गाइज। आपके पार्टनर किसी तरीके की कोई गुड न्यूज आपके साथ शेयर कर सकते हैं आने वाले 4 आवर्स के अंदर, 21 आवर्स के अंदर। किसी तरीके का स्टेबल कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जॉयफुल मोमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ क्रिएट करें। रिकंसिलेशन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की तरफ से आज, ठीक है। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, अक्षय तृतीया की एनर्जी है, तो आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी में भी शानदार पॉजिटिविटी दिखती है। तो इनका माइंडसेट आपको लेकर काफी पॉजिटिव रहेगा, एक ग्रोइंग माइंडसेट इनका होगा। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं, कंट्रोल। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे, ज्यादा तारीफ हो गई ना, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन में बैडली स्टक होने की वजह से खुद के इमोशंस को, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। निगाहें आपकी तरफ होंगी, लेकिन शांत स्वभाव के साथ ये डील करेंगे, ठीक है। बट एनर्जी इज ओवर एंड ऑल बहुत पॉजिटिव है। कोई ही ऐसा होगा या होगी किसी की पार्टनर जो नेगेटिव हो, अदरवाइज इनकी एनर्जी में गजब का असेंशन दिख रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।